बॉलीवुड की पीआर मशीनरी, बॉलीवुड की जो पीआर मशीनरी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। आज से तकरीबन 20 साल पहले जब अभिषेक बच्चन वाईआरएफ और धर्मा की मल्टीपल फिल्म्स कर रहे थे, उस वक्त बॉलीवुड की पीआर मशीनरी ने यह हवा बिल करने की कोशिश की थी कि अभिषेक बच्चन एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आने वाले वक्त में वो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना और शाहरुख खान और सलमान खान उन सबसे आगे निकल जाएंगे और अभिषेक बच्चन से बेटर हीरो ना कभी आया है ना कभी आएगा। बॉलीवुड के पीआर मशीनरी ने इस तरह से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश किया था आज तकरीबन 20 साल पहले, जब धूम फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी। उसके बाद जब सोनम कपूर लॉन्च हुई, उस वक्त बॉलीवुड की पीआर मशीनरी ने सोनम कपूर को फैशन आइकन, फैशनिस्टा, सोनम कपूर फैशन समझती हैं, सोनम कपूर जैसा फैशन समझने वाला हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कोई नहीं आया है, सोनम कपूर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हैं हॉलीवुड के सर्कल्स में, दिस एंड दैट, ये सारी चीजें बॉलीवुड की पीआर मशीनरी ने बिल करने की कोशिश की थी। आज से तकरीबन 10 साल पहले परिणीति चोपड़ा के लिए बॉलीवुड की पीआर मशीनरी ने ट्राई किया था कि परिणीति चोपड़ा की किसी न किसी तरीके से बात बन जाए। परिणीति चोपड़ा के कुछ साल पहले अभय डियोल के लिए बॉलीवुड की पीआर मशीनरी ने ट्राई किया था, लोगों को ये बताने की कोशिश की गई थी कि अभय डियोल एक बहुत बड़े स्टार है, अभय डियोल एक पाथ ब्रेकिंग एक्टर है, एक्टिंग गॉड है और आने वाले वक्त में वो एक्टिंग के बीज गाड़ देंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, राइट। परिणीति चोपड़ा हो, चाहे सोनम कपूर हो, चाहे अभय डियोल हो, चाहे अभिषेक बच्चन हो, इन लोगों को कभी भी हिंदुस्तान ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन एक दौर था जहां पे बॉलीवुड की पीआर मशीनरी लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गई थी कि इन लोगों को मौका मिले, इन लोगों के इंटरव्यूज देखे जाएं, इन लोगों की फिल्म्स देखे जाएं, इन लोगों के काम को एक्सप्लोर किया जाए फलाना ढिमका। बाद में हाउएवर ये लोग फिजल आउट हो गए, राइट। आई जस्ट वॉन्ट टू पॉइंट आउट कि बॉलीवुड की जो पीआर मशीनरी है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से एक जो कॉन्वर्जेशन है किसी हीरो को लेकर के, किसी हीरोइन को लेकर के, किसी फिल्म को लेकर के बिल करने में मल्टीपल टाइम्स कामयाब होती है, राइट। 2004 में दो फिल्में रिलीज हुई थी, एक फिल्म रिलीज हुई थी राजकुमार संतोषी की फिल्म खाकी और एक और फिल्म रिलीज हुई थी फरहान अख्तर की जिसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य फिल्म एक बहुत बड़ी वॉशआउट फिल्म थी, एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। लक्ष्य फिल्म दो वजहों से याद की जाती है, एक तो उसका गाना मैं ऐसा क्यों हूँ, जिसमें ऋतिक रोशन का अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है, अनबिलीवेबल कोरियोग्राफी है प्रभुदेवा की, और एक और गाना है अगर मैं कहूँ, जो ऋतिक और प्रीति जिंटा एक एक्टर पर फिल्माया जाता है, राइट। दूसरी फिल्म है खाकी, खाकी का भी एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दिल डूबा, जो कि ऐश्वर्या और अक्षय के ऊपर फिल्माया गया है। बट खाकी एक हिट फिल्म थी, आई थिंक उस साल की 2004 में आई थी खाकी, और 2004 में ही आई थी लक्ष्य। आई थिंक 2004 में ही वीर ज़ारा भी आई थी, मैहुना भी आई थी, मुझसे शादी करोगी भी आई थी, स्वदेश भी आई थी, एंड आई थिंक मुझसे शादी करोगी, वीर ज़ारा, मैहुना के बाद आई थिंक सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म खाकी थी और एक बहुत ही मैजिकल फिल्म थी खाकी, राइट। आज भी उस फिल्म की अगर आप रिकॉल वैल्यू देखोगे, उस फिल्म के मल्टीपल मोमेंट्स सीक्वेंसेस को आप देखोगे, आज भी वो फिल्म आपको मेसमराइज करके रख देती है, आज भी वो फिल्म आपको मेसमराइज करके रख देती है, राइट। खाकी फिल्म में मल्टीपल सीक्वेंसेस जिनको आप याद कर सकते हो, फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस है जहां पे एक आदमी गाना गा रहा होता है, कल हो ना हो का टाइटल ट्रैक, राइट, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, राइट, दिस एंड दैट, एंड देन वो फोन उठाता है एंड देन ब्लास्ट हो जाता है, एंड देन अजय देवगन गाना कंप्लीट करते हैं, कल हो ना हो, कट टू अमिताभ बच्चन एक घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और वहां पे फिर से एक फोन कॉल बजता है, एक हवलदार फोन उठाने की कोशिश करता है लेकिन बच्चन उसको मना कर देते हैं, देन वो देखते हैं कि उस फोन को बॉम्ब से कनेक्ट किया गया, जैसे कोई फोन उठाएगा बॉम्ब फूट जाएगा, राइट। जो मेजर ट्विस्ट है फिल्म में, जो ऐश्वर्या राय अजय देवगन द्वारा प्लांट की गई मोल है, वो ट्विस्ट जब भी आपने पहली बार खाकी फिल्म को देखा होगा, इट ब्लोज अवे योर माइंड, इट ब्लोज अवे योर माइंड, इतना परफेक्ट वे में उसको एग्जीक्यूट किया गया है। कितना भी बड़ा फिल्म का कोई जानकार हो, कितना भी कोई फिल्म को देखने वाला हो, वो फिगर आउट ही नहीं कर सकता कि ऐश्वर्या राय अजय देवगन की मोल है इन दैट फिल्म, राइट। वो ट्विस्ट जब ओपन अप होता है, अजय देवगन जब अमिताभ बच्चन को उन्हीं के कॉन्स्टेबल से थप्पड़ पड़वाते हैं, अंत में जब अजय देवगन की जिस तरह से मौत होती है, जिस तरह से तुषार कपूर उनको मारते हैं, देयर आर सो मेनी हाइलाइट्स इन द फिल्म, देयर आर सो मेनी हाइलाइट्स इन द फिल्म। एक यू नो एक्शन थ्रिलर है, बट एट द सेम टाइम एक रोड फिल्म भी है, अतुल कुलकर्णी के कैरेक्टर की जो बैक बैक स्टोरी है, सारी चीजें आपको मेजमराइज करके रख देती है, राइट। अनबिलीवेबल पीस ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय राजकुमार संतोषी। राजकुमार संतोषी ने मल्टीपल मैजिकल फिल्म क्रिएट की है, राइट। उनकी पहली फिल्म घायल बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, उसके बाद उन्होंने कोर्टरूम ड्रामा क्रिएट किया, अगेन एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, मैजिकल फिल्म दामिनी, एक कॉमेडी फिल्म उन्होंने क्रिएट किया अंदाज अपना अपना है, देन अगेन घातक जैसी उनकी फिल्म हो, या फिर आप उनकी लज्जा जैसी एक फिल्म ले लो, अगेन एक सोशल ड्रामा, आप उनकी फिल्म ले लो अजब प्रेम गजब कहानी, एक रोम कॉम, राइट, या आप उनकी फिल्म ले लो खाकी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ हिंदी सिनेमा राजकुमार संतोषी, उनका एक बहुत ही खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट है खाकी। लेकिन आज की डेट में खाकी फिल्म को लेकर के उतना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपको मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा जितना लक्ष्य फिल्म को लेकर के आपको देखने को मिलेगा, राइट। लक्ष्य फिल्म को रिलीज हुए 20 साल हो चुके हैं, फरहान अख्तर ने इंटरव्यू भी दिया, राइट, 20 ईयर्स ऑफ लक्ष्य। नाउ
20 इयर्स ऑफ लक्ष्य, राइट, लक्ष्य एक फ्लॉप फिल्म थी, उसका भी 20 साल सेलिब्रेट करने की कोशिश की फरहान अख्तर ने, और लक्ष्य फिल्म को लेकर के पिछले 10-12 साल में बहुत सारा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल्ड हुआ है, राइट, बहुत सारा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल्ड हुआ है। हाउएवर लक्ष्य एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली फिल्म नहीं है, इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म एंड एट द सेम टाइम इट्स अ वॉर ड्रामा एज वेल, राइट, कमिंग ऑफ एज फिल्म, लड़का भाई एमलेस है, लेजी है अपनी लाइफ में, उसको पता नहीं है उसको क्या करना है, बड़े बाप की औलाद है, राइट, प्यार करता है, इट इज इंटरेस्टेड दिस एंड दैट, देन वो अपने घर वालों को अपने रिश्तेदारों को साबित करना चाहता है कि वो भी कुछ है, वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है, कारगिल वॉर हो जाता है, दिस एंड दैट। एक वॉर फिल्म में एटलीस्ट एक तो वॉर का सीक्वेंस होना चाहिए जो लोगों के साथ स्टे करे, जैसे खाकी फिल्म कितने सीक्वेंसेस मैंने आपको बताया, एटलीस्ट एक सीक्वेंस तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए, एक वॉर सीक्वेंस तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों के साथ स्टे करे जब वो फिल्म वॉर ड्रामा के जोन में चल रही होती है। फर्स्ट हाफ में जब फिल्म वो कमिंग ऑफ एज रोमांटिक फिल्म चल रही होती है, एटलीस्ट एक सीक्वेंस तो उसका होना चाहिए जो लोगों के साथ स्टे करे, देयर इज नथिंग लाइक दैट इन लक्ष्य, देयर इज नथिंग लाइक दैट इन लक्ष्य। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि फरहान अख्तर की फिल्म है, क्योंकि फरहान अख्तर का एक नाम है, ही इज अ क्रिएटिव गाय, राइट, नो डाउट अबाउट इट, एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट ने कुछ बेहतरीन फिल्में बनाई है अंडर फरहान अख्तर एंड अंडर रितेश सिद्धवानी, और क्योंकि फरहान अख्तर आज एक फोर्स है, तो वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लक्ष्य उनकी एक मास्टरपीस फिल्म थी और वो अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, राइट, and that's the way it works, yeah, that's the way it works, right? जिन लोगों ने खाकी फिल्म को प्रोड्यूस किया था, रामसेन ब्रदर्स में से एक भाई केशु रामसेन ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, आज की डेट में रामसेन ब्रदर्स इस दुनिया में नहीं है, आज की डेट में उस फिल्म का 10 साल की एनिवर्सरी मनाने वाला, 20 साल की एनिवर्सरी मनाने वाला कोई नहीं है, राइट, लेकिन क्योंकि फरहान अख्तर के पास पावर है, फिल्म लाइन से है, फिल्मी फैमिली से है, तो वो उस हवे को क्रिएट करने में, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को क्रिएट करने में कामयाब है, फरहान अख्तर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को क्रिएट करने में कामयाब है, दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क, दैट्स द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क, यार, इट डज नॉट मेक एनी सेंस ऑफ फरहान अख्तर टू सेलिब्रेट 20 इयर्स ऑफ लक्ष्य, 20 साल उस फिल्म का सेलिब्रेट करने का क्या सेंस बनता है, राइट, वो एक फ्लॉप फिल्म है, उस फिल्म की कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है, कोई फिल्म को रिविजिट नहीं करता, और अगर आप फर्स्ट टाइम भी लक्ष्य को देख रहे हो, यार, वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली फिल्म नहीं है, उसके बावजूद लोगों को क्रिएट कन्विंस करने की कोशिश की है फरहान अख्तर ने कि वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली फिल्म है। फरहान अख्तर लोगों को ये तक कह रहे हैं कि मैं फलाने जगह गया था, मैं ढांके का जगह गया था, वहां पे मेरे को इतने सारे लोग मिले, और वो कह रहे हैं कि सर हमने आपकी फिल्म लक्ष्य को देख करके आर्मी ज्वाइन कर ली। फरहान अख्तर ने मल्टीपल जगह इस बातों को कहा है कि मुझे लोग मिलते हैं और मुझे लोग बोलते हैं कि सर आपकी फिल्म लक्ष्य हमने देखा और हमने आर्मी ज्वाइन कर ली, उसमें देशभक्ति का तड़का लगाने की कोशिश फरहान अख्तर ने की है, राइट। फरहान अख्तर को यह भी बताना चाहिए कि जब मैंने डॉन फिल्म बनाई थी उसको देख करके मैं 100 लोगों से मिला और उन लोगों ने क्राइम वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया डॉन देखने के बाद, लेकिन फरहान अख्तर वो नहीं बता रहे। फरहान अख्तर ये नहीं कह रहे कि मैंने क्राइम फिल्म बनाई थी डॉन और उसको देख करके लोगों ने क्राइम वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया, क्योंकि फिर तो फरहान एंटी सोशल हो जाएंगे। तो फरहान ये ब्राउनी पॉइंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को लोग बोलते कि मैंने आपकी फिल्म लक्ष्य को देख करके आर्मी ज्वाइन किया था, ताकि लोग बोले कि देखो मैं कितना पेट्रियोटिक इंसान हूं, मैंने एक पीस ऑफ आर्ट बनाया था जिसको देख करके लोग आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। आपको ये भी बताना चाहिए कि आपकी डॉन और डॉन टू को देख करके फरहान सर कितने लोग क्राइम वर्ल्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं बताओगे क्योंकि वहां पे आपका लॉस है, यहाँ पे आपको आपका फायदा दिखाई देता है, तो आप बता रहे हो कि इतने लोग मेरी फिल्म को देख करके आर्मी ज्वाइन कर ली, दिस एंड दैट, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज, या इवन अगर आप शेरशाह जैसी फिल्म को देखो, शेरशाह फिल्म में भी किसी भी तरह का इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स अ वॉर फिल्म, विक्रम बत्रा की बायोपिक है एक सेंस में, लेकिन शेरशाह फिल्म से अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के वो सीन्स हटा दो, वो लव स्टोरी हटा दो, फिल्म इज अ कंप्लीट फ्लैट फिल्म, इट्स अ कंप्लीट फ्लैट फिल्म। एक वॉर फिल्म बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, एक वॉर फिल्म का एटमोसफियर सेट करना, उस फेज में ऑडियंस को लेकर के जाना, उस जोन में ऑडियंस को लेकर के जाना, और सर्टन वॉर सीक्वेंसेस क्रिएट करना जहां पे ऑडियंसेस का इमेजिनेशन आप कैप्चर कर जाओ, वो बहुत मुश्किल काम है यार, एक कोई बहुत ही मंझा हुआ डायरेक्टर ही उसको कर सकता है। फरहान अख्तर ने अपनी सेकंड फिल्म में उसको करने की कोशिश किया, फिल्म किसी भी तरह से आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करती, जैसा कि मैंने कहा, इवन दो इट्स अ वॉर फिल्म, एटलीस्ट एक गाना तो वॉर फिल्म में होना चाहिए, यू नो देशभक्ति का गाना हो, या यू नो फौजी जैसे, यू नो बॉर्डर फिल्म कुछ साल पहले आई थी लक्ष्य के, राइट, सब लोग संदेशे आते हैं, गाना गाते हैं, वैसा कोई गाना तो सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए, देशभक्ति का, मिट्टी को लेकर के, यू नो फौजी अपने घर वालों को मिस कर रहे हैं उसको लेकर के, देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। लेकिन दो रोमांटिक गाने हिट हैं, राइट, आई मीन एक तो अगर मैं कहूं गाना हिट है और दूसरा मैं ऐसा क्यों जो कि रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, राइट, एंड दैट शोज यू कि फरहान अख्तर का जो विजन नहीं था वॉर सीक्वेंसेस और वॉर ड्रामा जो है फिल्म का, वो वाला जो एलिमेंट है उसको मैनेज करने का विजन उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास रोमांटिक एलिमेंट्स को मैनेज करने का विजन था, ऋतिक रोशन ने तो उनको डांस करवाना ही था, तो मैं ऐसा क्यों गाना भी सिचुएशन में फिट बैठ रहा था, उसके लिए उनका विजन था, लेकिन वॉर सीक्वेंसेस के लिए उनका विजन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो 20 साल उस फिल्म को सेलिब्रेट कर रहा है, राइट, 5 इयर्स ऑफ लक्ष्य,
10 ईयर्स ऑफ लक्ष्य मीडिया में आर्टिकल आते रहते हैं कि ये फिल्म जो लोग समझ नहीं पाए थे, फिल्म अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, लोगों को उस फिल्म को रिविजिट करना चाहिए, और लोग उस फिल्म को देखते हैं खुद को कन्विंस करते हैं। भाई पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है ऐसे मामलों में कि आपको खुद को कन्विंस करना ही पड़ता है। आपने क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर इंजॉय किया है नहीं इंजॉय किया, डज नॉट मैटर, आपको खुद को कन्विंस करना पड़ता ही है, राइट। एक बहुत बड़ा सर्कल है, एक फलाना फिल्म को ऑस्कर मिला, वो फिल्म आपको अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, आप देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो, फिर भी बहुत से लोग उन फिल्म्स को देखते हैं और खुद को कन्विंस करते हैं कि नहीं यार ऑस्कर मिला है तो अच्छी फिल्म तो होगी, राइट। मीडिया में आर्टिकल्स आए कि लक्ष्य अच्छी फिल्म है तो अच्छी फिल्म तो होगी, यार एटलीस्ट एक तो वॉर सीक्वेंस होना चाहिए, एक तो मोमेंट होना चाहिए, एक तो डायलॉग होना चाहिए फिल्म का जो हिट हो, एटलीस्ट एक डायलॉग तो फिल्म का हो, एक मोमेंट एक ग्लिम्स हो जो कि लोगों के साथ स्टे किया हो। इज नथिंग लाइक दैट, राइट, इज नथिंग लाइक दैट। इवन जो कमिंग ऑफ एज साइड है लक्ष्य फिल्म का, वो भी आपके साथ स्टे नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि फरहान अख्तर है, क्योंकि एक्सेल एंटरटेनमेंट का नाम है, क्योंकि फरहान अख्तर के पास पैसा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल करने का, तो वो लक्ष्य के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल कर पा रहे हैं। एंड खाकी जो कि 2004 में ही आई थी, लक्ष्य से बहुत ज्यादा सुपीरियर फिल्म है, उस फिल्म की रिकॉल वैल्यू लक्ष्य से बहुत ही ज्यादा है, फिल्म में मल्टीपल हाईलाइट्स है, मल्टीपल मोमेंट्स है, मल्टीपल इमोशंस आपको देती है, राइट, इन्वोक करती है आपके अंदर एक इमोशन। खाकी लक्ष्य फिल्म आपके अंदर कोई इमोशन को इन्वोक नहीं करती, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म टू इन्वोक एन इमोशन इन एन ऑडियंस, राइट। भाई 2.5 घंटे के तो वीडियो क्या बोलते हैं पॉडकास्ट भी होते हैं, पॉडकास्ट भी होते हैं, राइट, आपको मिनी सीरीज भी देखने को मिल जाएगा जो 2.5 घंटे 3 घंटे का होता है। बट वॉट सेपरेट्स फिल्म्स फ्रॉम दीज मीडियम्स, यार फिल्म्स को पॉडकास्ट और वॉडकास्ट और मिनी वेब सीरीज से ज्यादा सुपीरियर क्या बनाता है, इट्स द इमोसिव एक्सपीरियंस, राइट, जो इमोशन इन्वोक कराते हैं ऑडियंस को लेकर, ऑडियंस के अंदर, राइट, चाहे हॉरर का इमोशन हो, हंसने का इमोशन हो, रोने का इमोशन हो, देशभक्ति का इमोशन हो, राइट, यू नो विकेडनेस का इमोशन हो, लक्ष्य फिल्म कोई भी इमोशन आपके अंदर इन्वोक नहीं कराती। उसके बावजूद फरहान अख्तर उसके 10 साल एनिवर्सरी 20 साल एनिवर्सरी को मना रहे हैं, मीडिया में आर्टिकल्स छपते जा रहे हैं, और फरहान अख्तर कह रहे हैं कि मेरी फिल्म को देखकर कितने लोगों ने फौज को ज्वाइन कर लिया था, कितने लोगों ने डॉन को देख करके क्राइम वर्ल्ड ज्वाइन किया था ये फरहान नहीं बताने को तैयार है, लेकिन कितने लोगों ने लक्ष्य को देख करके आर्मी ज्वाइन किया था ये फरहान बताने को तैयार है। एंड खाकी जैसी फिल्म, और राजकुमार संतोषी, अनफॉर्चुनेटली राजकुमार संतोषी की अब एज हो चुकी है यार, वो अपना क्रिएटिव साइड लूज कर चुके हैं, एवरीथिंग कम्स डाउन टू हिज स्किट्स, राइट। उनकी आई थिंक एक बेटी है, आई डोंट नो कोई बेटा है या नहीं, एक बेटी है लेकिन वो हीरोइन बनना चाहती है उनकी बेटी, राइट। और राजकुमार संतोषी की जो प्रोडक्शन हाउस है उसको कोई संभालने को तैयार नहीं है। राजकुमार संतोषी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ हिंदी सिनेमा, मल्टीपल कल्ट फिल्म्स, मल्टीपल आइकॉनिक फिल्म्स, लेकिन राजकुमार संतोषी फॉर सम रीजन घातक या घायल या अंदाज अपना अपना, यू नो, या खाकी या जब प्रेम की जब कहानी या लज्जा या दामिनी जैसी फिल्म्स के, यू नो, मल्टीपल 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ही इज नॉट अ फोर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, यार ही इज नॉट अ फोर्स। अगर राजकुमार संतोषी की प्रोडक्शन हाउस का भी थोड़ा वैल्यू होता बॉलीवुड में इस वक्त, तो वो भी कुछ कर पाते, वो भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल करा पाते, लेकिन बिकॉज ही इज नॉट अ फोर्स एनी मोर, वो इस चीज को करने में कामयाब नहीं है, उस चीज को करने में कामयाब नहीं है यार। यू नो ग्रेसी सिंह जो कि लगान की हीरोइन है, राइट, वो भी गई थी इनॉग्रेशन, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में जो इलेक्शंस के बाद हुआ था, ग्रेसी सिंह को कोई कवर नहीं करेगा। ऑल्दो ग्रेसी सिंह लगान फिल्म में थी, गंगाजल फिल्म में थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में थी, उनको कोई मीडिया हाउस कवर नहीं कर रहा था, बिकॉज जाहिर सी बात है आज वो एक हीरोइन नहीं है, राइट, लेकिन शाहरुख खान आए थे, अक्षय कुमार आए थे, उनको सब कवर करेंगे। राजकुमार संतोषी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ हिंदी सिनेमा, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर्स, लेकिन उनकी फिल्म खाकी अगर आप आज के डेट में मीडिया में और डिस्कोर्स का डिस्कशन का हिस्सा देखोगे, लक्ष्य का ज्यादा डिस्कोर्स है, लक्ष्य का ज्यादा डिस्कशन है एज कम्पेयर टू अ फिल्म लाइक खाकी, राइट। क्या बोलोगे यार इसके लिए, क्या बोलोगे, बट दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। बॉलीवुड के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, बॉलीवुड की जो पीआर मशीनरी है, बॉलीवुड की जो मार्केटिंग है यार, वो मीडिया हाउसेस को अपने घुटनों पे लेकर के आई जाती है, मीडिया हाउसेस को अपने घुटनों पे लेकर के आई जाती है। अनटिल अनलेस मीडिया हाउस को पैसे नहीं पहुंचेंगे, मीडिया ना किसी फिल्म को अच्छा बोलेगी ना किसी की फिल्म को बुरा बोलेगी। हाँ, वो किसी फिल्म को बुरा बोल सकती है ताकि यू नो उस फिल्म वाले उनको पैसे पहुंचाए, ताकि उस फिल्म के लिए फिर वो अच्छा बोलना शुरू करे, राइट। दैट्स द वे मीडिया हाउसेस वर्क, राइट। वो लोग किसी स्टार को क्रिटिसाइज करेंगे, शाहरुख खान का स्टारडम खत्म हो गया है, शाहरुख खान इज फिनिश्ड, राइट, ताकि शाहरुख खान उनको पैसे पहुंचाए, तब वो लोग लिख सकते कि नहीं शाहरुख इज बैक। दैट्स द वे मीडिया हाउसेस वर्क, अनफॉर्चुनेटली थ्रू आउट द वर्ल्ड यही होता है, राइट। And that's the way it is, यार 2004 में रिलीज हुई लक्ष्य एक फ्लॉप फिल्म, उसकी कोई रिकॉल वैल्यू भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि यार कोई लक्ष्य फिल्म को देखेगा, उस फिल्म को एंजॉय करेगा, देन अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करेगा, फिर उसके फ्रेंड्स में से कुछ लोग उस फिल्म को देखें, एंजॉय करें और आगे रिकमेंड करें और वो प्रोडक्ट ट्रेवल हो, वैसा नहीं है। ऑलरेडी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इतना ज्यादा है, ऑलरेडी पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है, ऑलरेडी इतना हुआ बिल कर दिया गया है कि लोग लक्ष्य फिल्म को देखकर खुद को कन्विंस करते हैं कि यार अच्छी फिल्म तो होगी ही, IMDb में इतनी रेटिंग है, रॉटन टोमेटोज में इतनी रेटिंग है, इतने सारे लोगों ने अच्छा कहा है तो अच्छी ही होगी। It's not a film that you enjoy on your own, yaar. But Khaki is a film that you enjoy on your own, right? Wo multiple emotions, wo emotive experience, wo highlight sequences, right? Wo gaane, wo Akshay Kumar ki jo comedy hai, right? Thoda different kind of comedy in the film Khaki, right? Jo Mahalakshmi ke saath, Aishwarya Rai ke saath unki nokchonk chalte rehti hai, jo wickedness Akshay Kumar ka hota hi hai,
अतुल कुलकर्णी की बैकग्राउंड स्टोरी, तनुजा जी जो जिनके बेटे होते हैं अतुल कुलकर्णी, उनको कांधा देने कोई नहीं आता, उनकी मौत के बाद यू नो अमिताभ बच्चन, तुषार कपूर, अक्षय कुमार आते हैं उनको कांधा देने के लिए, ऑल दो सीक्वेंसेस यार, दे ब्लो अवे योर माइंड, दे ब्लो अवे योर माइंड, राइट। लेकिन खाकी फिल्म को लेकर की वो डिस्कोर्स नहीं है, ऑल्दो खाकी वाज द आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ 2004, राइट, एंड लक्ष्य वाज अ फ्लॉप फिल्म, लेकिन लक्ष्य को लेकर क्या ज्यादा डिस्कोर्स है, ज्यादा डिस्कशन है, ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ज्यादा पीआर है, बट खाकी को लेकर के नहीं है, बिकॉज खाकी के प्रोड्यूसर्स यू नो अपना विजन लूज कर चुके हैं, वो आई थिंक अब इंडस्ट्री में रेलिवेंट नहीं है, एंड फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज रेलिवेंट है, तो वो लोग अपनी फिल्म के लिए डिस्कोर्स बिल्ड कर पा रहे हैं, दैट्स वे इट वर्क्स। चलो बाय।